अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्होंने अपनी प्रखर लेखनी से विशिष्ट पहचान स्थापित की है। अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत सिकंदर
भारत जा रहे हैं, सुनिए हमारे लिए इसलिए अवेलेबल है, उसके लिए अवेलेबल नहीं था, भारत जा रहे हैं क्या लेके आएगा, चार चीजें सोक्रेट ने सिकंदर को क्या बोली, एक वहां से भागवत गीता लाना, एक गीता लाना, गीता गंगा जल लाना जो हमारे लिए इजली अवेलेबल है, तीसरा कोई ज्ञानमय गुरु लाना, चौथा बोला सीताराम की कहानियां माना रामायण लाना, ये चार चीजें सिकंदर को सॉक्रेट ने बोली और हमारे लिए पड़ा है लेकिन हम उसको टच नहीं करते, हाउ सैड इट इज, समझ रहे बात से। गीता के लिए मैं सबको बोलती हूँ, गीता के माध्यम से सारा ज्ञान है, वेदों के उपनिषदों से, और जो भी आज भी आप शुरू करना चाहते हो आप ऐसे भी कर सकते हो, खाली श्लोक पढ़ लो, पैदा गया है, डोंट रीड, कुछ भी नहीं, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, 18 दिन है 18 गए पहला श्लोक पहला दिन पढ़ो उसमें, फिर उसके बाद 2 साल का जो सफर रहा उसमें जो जो मैंने आपसे जो बंदिशें थी जमाने की उसको मैं तोड़े आया हूँ, मैं तेरे वास्ते सारी दिल्ली को छोड़ रहा हूँ, बल बल प्रेम मती का मध्य बाबू नाई
पहले हमें शंकाओं से दूर करते हैं तो गुरु महेश्वर हैं, शंकर हैं। गुरु हमें भ्रमों से निकालते हैं तो ब्रह्मा हैं। गुरु हमें विकारों के विष से निकालते हैं तो विष्णु हैं। तीनों मिल जाते हैं उस गुरु में, फिर उसमें 33 करोड़ देवता, 24 तीर्थंकर, 24 अवतार, सिद्ध पुरुष सारे उसमें आ जाते हैं। आप जितने आज इधर बैठे हो, जो भी जिनको भी गुरु मानते हो, नाम के वास्ते मत मानो। वो उसके कबीर जी ने बोला हुआ है कि धरती जितनी स्याही हो, आकाश जितनी कलम हो, आप नहीं जान सकते हो महिमा। मैं 27 साल की थी जब मुझे गुरु मिल गए थे। कोई मेरे बड़े भाग्य उदय होंगे, ऐसे खानदान में मैं पैदा हुई जहाँ मुझे बचपन से वैसा एनवायरनमेंट था, लेकिन गुरु नहीं थे। उसके मिलने के बाद आज जो मैं आपके सामने हूँ, 27 ईयर्स ओल्ड, उस समय शुरू में हमें पता नहीं चलता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक मंत्रधारी गुरु होते हैं, फिर दूसरे कोई, आगे आगे बढ़ते जाओगे। नर्सरी क्लास से शुरू तो कर लो, जिनका कोई नहीं है आज ही शुरू कर लो इस गुरु पूर्णिमा से, जिससे हमारे अंदर के गुरु को बाहर का गुरु बताता है। जैसे मेडिटेशन करो तो अंदर परमात्मा से हम मिलन होता है ना, ऐसे बाहर का गुरु हमें अंदर से मिलाता है, हमें मार्गदर्शन देता है, हमें जीने का ढंग देता है, और लोक और परलोक दोनों सुधरते हैं। डोंट थिंक ओनली लोक। मैं यूथ के लिए ज़्यादा अभी एनकरेज कर रही हूँ, क्योंकि उनको मैं चाहती हूँ कि ये यूथ जो है वो ऐसे पुराना घिसा पीटा सत्संग, जहाँ सोचते हैं कि बुजुर्ग लोग जाते हैं तो वो होता है, हमने क्यों जाना है। मैंने कल इसको भी बदला कि स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, यू चेंज द नेम सो दैट वो जाना तो शुरू करें कि परमात्मा के बिना, स्पिरिचुअल होए बिना, मेरे घर के बाहर 2 BMW एंड मस्टी कारें नहीं होंगी। हार्डवर्क तो करोगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। किसी से सतपुरुष से जुड़ जाओ जो हमारे अहम को मारता है। लिविंग गुरु इज मोस्ट डिफिकल्ट। ज़्यादा लोगों का जीवन उधर से खिसक जाते हैं। जो मैंने 30-35 सालों में अपने सामने देखा है, हम काबिल नहीं बनते हैं कि उन परीक्षाओं में हम पास हो जाएं, सो दैट मेरा आवागमन ख़त्म हो जाए। इसका पता नहीं है हमें कि क्यों बार बार मुझे ऐसे घुटे हुए जीवन में जीना है। क्या 84 लाख में हम क्या लेके आते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, और फिर भागते रहते हैं कि क्या करें पता नहीं चलता। एक सत्संग हमें क्या से क्या दे डालता है। और जिस गुरु से भी आप लोग जुड़े हो, इसका कहना भी मान लिया करो तो आपका जीवन और प्यारा हो जाएगा। मैं छोटी सी किसी पॉडकास्ट में मैंने कहानी सुनाई है कि गुरु को मानते हैं, गुरु की नहीं मानते। माँ बाप को मानते हैं, माँ बाप की नहीं मानते। तो गुरु जो है वो तुम्हें निकालने के लिए आया है। इसमें एक आश्रम में एक सारे शिष्य होते हैं। एक शिष्य ऐसे थे जो सिर्फ आलसी थे और पड़े रहना, सोए रहना, और खा आश्रम में खाना खा के लेटे रहना, कुछ भी नहीं करना उसने। लेकिन ये सतयुग की बात होगी, क्योंकि कलयुग में अगर मैं हूँ या आप लोग हो तो आप तो गुरु से शिकायत करोगे, जे कैसा गंदा है, क्या है, इसको निकाल लो। सतयुग की बात होगी तो शिष्यों ने क्या बोला, गुरु से बोला, गुरुदेव इसका भला कैसे होगा। सी द डिफरेंस इन कलयुग की दृष्टि में और उस समय की दृष्टि में। आज के शिष्य ऐसा नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे वो इससे नफरत करे, जहाँ इसको निकाल दे। टुडेज़ टाइम इज़ फुल ऑफ जेलसी, हैटर्ड, सब भरा हुआ है हमारे अंदर। आज से ही सब निकाल फेंको, कुछ काम नहीं आने वाला हमारे। उसको गुरु ने बहुत शिक्षा दी, बोला सब, लेकिन उसको असर नहीं हो रहा था। आखिरकार गुरु ने बोला, क्या वचन दिया सुनना ध्यान से। उसने बोला, जंगल में जा, सारी लकड़ियाँ इकट्ठी कर और उसमें तो जल जा। लुक एट द गुरुज वचन।
इसको ध्यान से सुन लें, हमारे साथ छोटा होगा वचन, उसके शायद शायद इतना बड़ा वचन था उसकी ज़िंदगी के लिए। जो नहीं मानते हैं उसकी बात मैं कर रही हूँ, आज गुरुओं का दिन है तो हम गुरुओं की ही बातें करते हैं। वो गया, उसने सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करी और बैठ गया, उसके अंदर कूदा नहीं। अभी उधर से एक चोर जा रहे थे, उन्होंने काफ़ी कुछ चोरी करी हुई थी, अशर्फियाँ थी, सोना चांदी सब था। इतने में उसने देखा, वो रुक गया उधर और बोला, तुम क्या कर रहे हो? बोलता, मेरा ऐसे ऐसे आश्रम में गया था और गुरु ने मुझे ऐसा बोला है। लुक एट, जैसे अंगुलीमल डाकू थे ना, एक डाकू एक वैश्या ने जो शिष्य बने हैं ना टॉप के, मैंने गुरुओं के पास आके सिर्फ गुरुओं की कहानियाँ और गुरुओं की, बुद्धा महावीर मीरा इन सबको ज़्यादा पढ़ा। तो जैसे अंगुलीमल डाकू बुद्ध के पहले शिष्य बने थे, अंगुलीमल डाकू वो भी एकदम से हो गए थे पीक पे डाका डालने वाले, उंगलियाँ अंगुलीमल माना उंगली काटने वाला, ऐसे ही वो चोर जो था उसके अंदर क्या सूझी। बोलता, तू ऐसा कर, मैंने इतने पाप करे हैं, अभी शायद मेरा जीवन संवर जाए अगर तेरे गुरु ने तुझे बोला है, तू मेरी सारी अशर्फियाँ और सोना चांदी सब ले ले और मैं इसमें कूद जाता हूँ। ध्यान से सुन लोगे, प्लीज़ डोंट डाइवर्ट योर, वी शुड बी ए गुड लिसनर आल्सो वेन एवर वी सिट एनीवेयर, कुछ पढ़ते हो तो भी गुड लिसनर, किसी को सुनते हो तो भी, खासकर ऐसे वाली जगहों पे तो सब काम निकाल के वी शुड बी सिर्फ सुनना चाहिए कि इसमें मीनिंग क्या है, क्योंकि आप सबके पास भी टाइम नहीं है। अभी समय का दान जो है ना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लेना, भला हो जाएगा हमारा। उसने क्या करा, चोर कूद गया आग में, आग उसको नहीं जला रही है। एक खाली कहानी मत समझना, वी शुड कैच द एसेंस। उधर पुलिस लगी है चोर के पीछे और चोर पुलिस उसको, जो शिष्य था गुरु का, उसको पकड़ के ले गया। उसका जीवन क्या बना, और एक चोर का जीवन जिसको आग टच नहीं कर रही है, और वो गुरु के आश्रम में पहुंच गया।